राजधानी देहरादून में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा IRGT ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्राविधिक शिक्षा विभाग की अपर सचिव स्वाति भदौरिया शामिल हुई। वहीं इस महाकुंभ में राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नृत्य और गान जैसे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाई। इस दौरान तकनीकी शिक्षा के निदेशक RP गुप्ता ने कहा कि उत्तराखंड के छात्र छात्राओं का चहुमुखी विकास होना चाहिए, जिससे हमारे छात्र छात्राएं तकनीकी शिक्षा से जरूर जुड़ें। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये उत्तराखंड में मैंने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो तो पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, उत्तराखंड संस्कृति की एक धरोहर है, तो हम चाहते हैं कि जो छात्र छात्राओं में प्रतिभा है वो उभर के सामने आए। हम तकनीकी शिक्षा से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा मूलभूत उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं का चौमुखी विकास हो, हर क्षेत्र में वो नया आयाम स्थापित करें। और उसी कड़ी में हम लोग ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। हम लोगों ने 4 जोन में 18-18 पॉलिटेक्निक में बांटा, और जो विजयी हुआ है, हर जोन में एक एक छात्र है, वो जो है फर्स्ट जो प्रथम छात्र हैं और छात्र छात्राएँ वहाँ प्रतिभा कर रही हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि इससे एक नई सीख मिलेगी, उनको अपना हुनर और अपनी प्रतिभा का जो है दिखाने का एक अवसर प्राप्त होगा।